21 गेंदों में भारत ने छोड़े 3 कैच। श्रेयस अय्यर के बाद कोहली और ईशान किशन ने की बड़ी गलती। भारतीय टीम की खराब फील्डिंग ने नेपाल को शुरुआती ओवरों में कई मौके दिए। 21 गेंदों में 3 बेहतरीन खिलाड़ियों ने कैच टपकाए और नेपाल को अच्छी शुरुआत के मौके दिए। एशिया कप के 5वें मुकाबले में भारत और नेपाल की टीम आमने सामने थी। कैंडी के पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार को 4 सितंबर को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 104 रन पर सिमट जाने वाली नेपाल की टीम पहली बार भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरी। ऐसा माना जा रहा था कि उसके बल्लेबाज जल्दी भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हो जाएंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। भारतीय टीम की खराब फील्डिंग ने नेपाल को शुरुआती ओवरों में कई मौके दिए। 21 गेंद पर 3 बेहतरीन खिलाड़ियों ने कैच टपकाए और नेपाल को अच्छी शुरुआत के मौके दिए। कैच छोड़ने का सिलसिला श्रेयस अय्यर ने शुरू किया। इसके बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर माने जाने वाले विराट कोहली ने कैच टपका दिया। इतना ही नहीं, विकेटकीपर ईशान किशन ने आसान कैच छोड़कर चौका भी जाने दिया। भारत के लिए पारी का पहला ओवर करने मोहम्मद शमी आए। उनकी छठी गेंद नेपाल के ओपनर कुशल भूतेल के बल्ले से बाहरी किनारे से लगकर स्लिप की ओर चली गई। दूसरी स्लिप पर खड़े श्रेयस अय्यर ने दाई ओर झुकते हुए कैच लेने का प्रयास किया, लेकिन वे चूक गए। अय्यर से आसान कैच छूट गया। इसके बाद अगली ही गेंद यानी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नेपाल के बल्लेबाज को दूसरा जीवनदान मिला। दूसरा ओवर करने आए मोहम्मद सिराज, उनकी गेंद को आसिफ शेख ने कवर पॉइंट की ओर मारा, लेकिन सामने खड़े विराट कोहली इस आसान कैच को नहीं ले पाए। यह देखकर कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान रह गए। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बाद ईशान किशन ने भी गलती की और एक आसान कैच छोड़ने के बावजूद 4 रन और दे दिए। दोस्तों, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और ईशान किशन के कैच में किसका कैच सबसे ज़्यादा आसान था, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।